हेलो एवरीवन तो एम एस ओ थ्री का जो हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है अंबेडकर ऑन कास्ट क्वेश्चन आया हुआ है कास्ट सिस्टम के बारे में आपको बेसिक पता है कल मैंने एक ऑडियो भेज के बताया था कि इंडिया में कितना जो वरना सिस्टम था ठीक है या कास्ट सिस्टम था वरना थ्योरी थी वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी और वो क्या थी अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हमसे अम्बेडकर जी के बारे में कास्ट व्यू पूछना चाह रहा है तो यहाँ पे डिटेल में समझा के मैंने आपके 500 वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कंटेंट जो है वो प्रेजेंट किया है तो सुनिए और से ध्यान से एक बार समझ लीजिए ठीक है अच्छा ग्रेट स्कॉलर थे ये एक ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे ये आपको पता है ही आइडेंटिफाइड कास्ट एज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन स्टडिंग द सोसाइटी गड़बड़ बहुत है यहाँ पे कोई बात नहीं मैं साथ साथ कर एक कर रही हूँ जो भी गड़बड़ है इन्होंने क्या करा इन्होंने कास्ट को एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बताया कि अगर आपको सोसाइटी को पढ़ना है तो सोसाइटी में प्रिवेलेंट जो भी कास्ट सिस्टम है आपको उसे पढ़ना ही पड़ेगा आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो प्लस यहाँ पे दलित मूवमेंट्स और दलित के लिए जो डिमांड थी यहाँ पे उन उनपे फोकस करा इन्होंने डी ब्राह्मणाइजेशन पे फोकस करा अब आई होप आपको ये स्ट्रक्चर तो पता है ना जिसमें मैंने कहा था ब्राह्मण टॉप पे कंसिडर किए जाते थे और माना जाता था ये हिरार चेंज नहीं होती है दे विल एज अ डोमिनेटिंग कास्ट या डोमिनेटिंग पोजीशन पे और बाकी कास्ट को वो डोमिनेट करने की ट्राई करते थे तो ये यहाँ पे इस चीज़ को हटाने की बात की गई कि ये सिस्टम जो ब्राह्मनाइजेशन में चल रहा है ऑफ बीइंग द सुपीरियर एंड ट्रीटिंग द अदर सब ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए तो यहाँ पे किसकी बात हुई डी ब्राह्मनाइजेशन की बात हुई जो सोशल सिस्टम है वॉज फाउंडेड ऑन द कास्ट एंड द बिलीफ ये पूरा सिस्टम ही कास्ट और बिलीफ पे सेट है कस्टम पे नॉलेज पे एंड ऑल आर सेंटर्ड अराउंड द कास्ट सिस्टम ये सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूमती है कास्ट सिस्टम के कास्ट तो एक बेसिक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ही है और बाकी जितनी भी अलग चीज़ें होती है देखो कास्ट के अंदर जो अलग अलग कास्ट में लोग हैं वो अलग अलग वैल्यूज मानते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप बनाते हैं अलग अलग स्टेट के हैं अलग अलग नेशन के हैं ये सारी चीज़ें हैं तो बाकी जितनी भी चीजें हैं लाइक फैमिली स्टेट नेशन स्कूल ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से कास्ट से इन्फ्लुएंस हो रही हैं अब इनको बाबा साहिब भी कहा जाता था ये एक ज्यूरिस्ट थे मतलब लॉ करी हुई थी इन्होंने ये एक पॉलिटिकल लीडर थे बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट एक थे बुद्धिस्ट की फिलासफी को मानते थे एक थिंकर थे एक स्कॉलर थे एक एडिटर थे तो ही इज़ अ मल्टी पैकेज मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज थी तभी देखिए आज आप और मैं यहाँ बैठ के ऐसे स्कॉलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ते हैं और इनकी आइडियोलॉजी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं बी आर अम्बेडकर की वजह से आप देखते हो दलित्स के लिए वॉइस का काम किया था इन्होंने दलित अनटचेबल के लिए क्या बने थे ये वॉइस बने थे इन्होंने अपनी आवाज उठाई उन चीजों के लिए और अगर यहाँ पे नहीं मेंशन है बट तो आप लोग कहीं पे इसे कर सकते हो यहीं पे कि गांधी जी के साथ मिलके इन्होंने पूना पैक्ट किया था

हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक रिजर्वेशन जैसा कंसेप्ट है टू अपलिफ्ट द सिचुएशन ऑफ दलित था वो हाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा था इनबिल्ड करा था अवॉर्डेड भारत रत्न अवॉर्डी है ये भारत रत्न मिला हुआ है अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे एक uh, जात पात तोड़क मंडल था जात पात जात पात मतलब यही कास्ट हो गया ना जात पात तोड़क मंदल जात पात को तोड़ना मतलब खत्म करना ये काम करती थी ये एक सोसाइटी थी जो कास्ट को अवॉल्यूशन के लिए काम करती थी इन्होंने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई मतलब कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें अम्बेडकर जी को बोला कि आप कास्ट के इफेक्ट के बारे में बात करो अब अम्बेडकर जी लाइक ओके okay, ठीक है चलिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं बात करेंगे अम्बेडकर जी ने वहाँ पे स्पीच दी इन किसके किसके ऊपर एनिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर अब एनिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट ऐसी चीजें यूज करी जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप थी ठीक है लाइक आज की डेट पे मैं अगर कुछ ऐसा क्लेम कर दूँ मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट पे फिंगर पॉइंट आउट कर दूँ या कुछ भी ऐसे पॉइंट तो कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाती है वो और आ, उनसे आगे कहा गया कि आप जो ये ऑफेंडिंग जो पैराग्राफ है आपकी स्पीच में उन्हें डिलीट कर दीजिए उन्हें हटाइए किसी तरीके से तो लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ऐसा है मेरी स्पीच में यहाँ पे जो भी बातें मैंने बोली हैं आई रिलाई ऑन दैट मैं एग्री करता हूं उनसे और मैं अपनी स्पीच से एक कोमा तक भी रिमूव नहीं करूंगा सेकेंड इन्होंने वर्ना सिस्टम के बारे में बात करी एक एक, एक पॉइंट करेंगे ना कास्ट से रिलेटेड सारे कॉम्पोनेंट को हमने कुछ पॉइंट में बना लिया है वर्ना सिस्टम में इन्होंने कंडेम करा वर्ना सिस्टम इन्होंने क्रिटिसाइज करा कि कास्ट की जो ओरिजिन की आप बात करते हो कि आप कहते हो ये आपका कहाँ लिखा हुआ है पुरुष सुक्ता में लिखा हुआ है पुरुष सुक्ता में ये जो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यज एंड शूद्राज वाला ये कोई सही सिस्टम तो है नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेक्सिबल और रिजिड सिस्टम है बिकॉज मैंने आपको बताया था क्लास कैन बी चेंज बट कास्ट कैन नॉट क्लास चेंज हो सकती है कास्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकती तो ये यहाँ पे गड़बड़ वाली बात इन्होंने रखी अब सिर्फ डिवीजन जो आपकी सोसाइटी में सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है मतलब आप सिर्फ काम का डिवाइड नहीं कर रहे हो कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आपने काम बांट दिया डिवीजन ऑफ लेबर हो गई नहीं यू आर डिवाइडिंग द लेबरर्स आप तो लोगों को डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम इन्होंने एड्रेस करी उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू सोशल सिस्टम है ये कहीं से कहीं तक भी इक्वालिटी की बात नहीं करता यहाँ पे ही अभी बात सिर्फ कर रहे हैं कि कास्ट को लेके जो भी आपका हिंदू सो, सोशल सिस्टम है ये इक्वालिटी एक, की तो बात ही नहीं करता अंबेडकर के अकॉर्डिंग कास्ट जो है वो इनक्वालिटी को क्या करती है प्रमोट करती है और यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती है ये क्या करती है ये लोगों को आइसोलेशन में रखती है इंटर डाइनिंग अब आपको पता है अनटचेबल को साथ में बैठ के खाना अलाउ था क्या सेम टेम्पल में जाना अलाउ नहीं है सेम स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ना अलाउ नहीं है बहुत इल ट्रीटमेंट थी आप और मैं आज की डेट में ऐसी सोसाइटी में है कि हम वो इल ट्रीटमेंट इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ठीक है प्लस एक्जोगेमस मैरिज मतलब कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज वगैरह ये सब सिस्टम बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे और बहुत स्ट्रिक्ट एंड रिजिड रूल थे अगर कोई ऐसी चीज करता है तो उस पर्सन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट और हार्श जो प्रैक्टिसेस थी वो यूज़ करी जाती थी फिर द डिक्टेटरशिप ऑफ कास्ट आपको पता है जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं कास्ट में वो अपनी डिक्टेटरशिप दिखाएंगे वो इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे चाहे कितनी प्रॉपर्टी वेल्थ हो उनके पास कम भी है फिर भी वो इन्फ्लुएंस करेंगे क्योंकि वो कास्ट हिलकी में टॉप पे बैठे हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे इस वजह से सेपरेशन सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग आई प्योर और इमप्योर का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे दिखा कि कोई सेंस ऑफ ब्रदरहुड ही नहीं है लोगों में आपके यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन शो हो रहा है हमें तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बाद में बात करते थे फ्रेटर्निटी वगैरह की ये सारी चीज़ें जो हम आइडियोलॉजी लेके चल रहे थे ब्रदरहुड की वो इनकी वजह से ब्रेक होती है और ये देखने को ही नहीं मिलती हमें क्रिटिसाइज करा कास्ट सिस्टम को फॉर बी हिरारिकल ट्रांसफर होता जाता है वो वाली बात हो गई ना किसमें आपकी सुपर थर्टी मूवी में डायलॉग है ना कि अब सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा क्या होता है जिसके पास पावर है उसका बेटा आगे वही कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करे जा रहा है नो मैटर मे उसमें कोई टैलेंट है या नहीं सपोज किसी की फादर की बहुत बड़े एम्पायर उन्होंने खड़ा कर रखा है सब कुछ सेटिंग कर रखी है सारी चीज़ों की और उसके बाद क्या है फर्दर आगे जो बच्चे हैं नो मैटर की उन्हें वो काम संभालना आता है नॉलेज है बहुत ज़्यादा नहीं है इंटरेस्ट है नहीं है आगे लीगे सी उन्हें ही संभालनी है और वहीं उसी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इंटरेस्ट होगा जिनको नॉलेज होगी जो ज्यादा एजुकेटेड होंगे दे आर नॉट अलाउड टू डू सो तो ये हिरारिकल सिस्टम से इन्होंने क्या करा क्रिटिसाइज करा इस सिस्टम को इन्होंने कहा हिंदू जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ही क्रूअल और इनह्यूमन सिस्टम है इसमें बहुत सी कमियां हैं जो इन को प्रमोट कर रही है जो इनजस्टिस को प्रमोट कर रही है वो हमें रोकनी चाहिए प्लस इन्होंने कुछ डेंजरस डिफेक्ट बताया कि इन सब चीजों की वजह से सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स में बट रही है और इससे यूनिटी की बजाय पर्टिकुलर अपने ग्रुप के लिए फीलिंग आ रही है और वो ग्रुप वाली जो फीलिंग है वो लोगों को नेशन के अगेंस्ट ठीक है ये नेशन के अगेंस्ट भी हो सकता है एंटी नेशन भी हो सकता है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो प्लस सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करा इसने सोशल इंक्लूजन लाइक व्हाट कि सोसाइटी से कुछ लोगों को ग्रुप से अलग कर दिया क्योंकि अनटचेबल के साथ यही बिहेवियर होता था अब अच्छा इन सब प्रॉब्लम्स को इन्होंने एड्रेस करा फिर उन्होंने क्या बोला करना क्या चाहिए कि इन्होंने कहा कि जो आगे फर्दर सबकास्ट वाले सिस्टम है सबसे पहले तो इन्हें हटाओ इंटर डाइनिंग को प्रमोट करने की कोशिश करो प्लस इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करो थोड़ा बहुत चीज़ें तो इस चीज़ से एटलीस्ट प्रमोट होंगी कि हाँ लोगों में एक हारमोनी वाली फीलिंग तो आएगी ये एक एग्जाम्पल तो सेट करेंगी चीज़ें तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए यहाँ पे इन्होंने क्या करे फाइव रिफॉर्मिंग पॉइंट मतलब अगर आपको चेंज लाना है आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो कुछ तो इन्होंने पांच मेजर पॉइंट सजेस्ट करे कि पहली बात तो जितने भी हिंदूज हैं उनके लिए एक सिंगल होली बुक बनाओ सब वही पढ़ें उसकी आइडियोलॉजी उसके प्रिंसिपल्स वही सब लोग फॉलो करें ठीक है आप आप ये कह देते हो इस उपनिषद से इस वेद से इस पुराण से मतलब तो इतनी सब चीज़ें हैं कि आप कहीं से भी अपनी बात को क्या करते हो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो क्योंकि वरना सिस्टम के बारे में तो वैसे भी मेंशन किया गया था अब बहुत से लोग तो फेवर में थे वरना सिस्टम के इसलिए कि ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ काम तो करना ही है ना सोसाइटी में तो ये कुछ गलत नहीं है ये डिवीज़न ऑफ लेबर शो करता है बट हाँ वो इस बात के अगेंस्ट थे कि इस डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इनइक्वालिटी होती है वो बिल्कुल गलत है अब यहाँ पे अबोलिशन ऑफ हिंदू प्रीस्टहुड क्लास जो ये बैठे हुए हैं पुजारी जो ऊपर जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सो so कॉल्ड पूरे सोसाइटी को अपना मान के ये जो है ये आप बिल्कुल ख़त्म करो प्लस जो ये पूजा पाठ करवाते हैं इन लोगों को लाइसेंस दो क्योंकि हर कोई अपने आप को टॉप में ऐसे रख के चीज़ें करने लग जाएगा तो इनकी भी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन या कुछ लाइसेंस रखो जिससे कि इनका वो लीगल इम्प्लीकेशन चेक किया जा सके प्लस इंक्लूजन जो है सारे प्रीस्ट को सिटीजन की तरह मानो इनको भी बाकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह और जगह ओपन अप करो ना चीजों में कि ये लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो चीजें इतनी रिजिड नहीं रखनी चाहिए प्लस फिक्स कर दो नंबर ऑफ प्रीस्ट कितनी जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना कितनी वैकेंसी निकली आप अप्लाई करोगे तो सिंपल जितनी वैकेंसी है उतने ही प्रीस्ट अप्लाई करें हर कोई प्रीस्ट बना ना घूमता रहे क्योंकि अगर समाज को इतने सारे चलाने वाले हो जाएंगे तो हम किसके हिसाब से चलेंगे राइट right? तो ये सब चीजें जो थी ये बी आर अम्बेडकर ने कुछ रिफॉर्म्स को लेके बात की थी सो दिस इज अबाउट बी आर अम्बेडकर ऑन कास्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राम मनोहर लोहिया कास्ट को लेके क्या कहते हैं देन कास्ट सेंसस का एक क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं मतलब इंपॉर्टेंट क्या जो रिपीट हुए हैं या जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करके चलेंगे अभी सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग